जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। एक बेटे को खोने का गम क्या होता है, ये कोई उन माता पिता से पूछे जिनके जिगर का टुकड़ा 11 साल की छोटी सी उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियन बना हो और चंद महीनों के बाद ही एक लापरवाही बेटे की जान ले ले। लेकिन बेटे की मौत से टूटे परिवार ने जो फैसला लिया वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि उस फैसले ने सैकड़ों स्केटर्स की जिंदगी ही बदल कर रख दी। क्या था वो फैसला, देखिए इस रिपोर्ट। स्केटिंग रिंग में अपने सपनों की दौड़ लगाते इन स्केटर्स की रफ्तार देखिए, जैसे पूरी दुनिया जीत लेना चाहते हो। शायद यही है खत्री परिवार का मकसद, जो इन स्केटर्स में आज भी अपने बेटे कोमल खत्री का अक्स देखते हैं। कोमल खत्री, जिसके नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में है एक सड़क, जिसके नाम पर रोहिणी की एक सोसाइटी में है क्लॉक टावर, जिसके नाम पर बवाना में है एक स्केटिंग रिंग, जिसके नाम पर दिए जाते हैं मेडल्स। इस हादसे के बाद लगभग इच्छाएं खत्म हो गई थी। हम सिर्फ एक ही बात देखना चाहते थे कि कोमल की वजह से किसी बच्चों को क्या फायदा मिल सकता है, और उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये ट्रैक बनवाया, ताकि कोमल, हमें इन बच्चों को जो प्रैक्टिस करता है, हमें लगता है कोमल ही नहीं, मैं कहीं घूमूंगा। लेकिन स्केटिंग व्हील्स पर जादू दिखाने वाला कोमल खत्री अब इस दुनिया में नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम आपको ये कहानी क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहानी है एक माता पिता के हौसलों की। इसे देख कर आपको ये एहसास होगा कि अपनी खुशियों का छिन जाना कभी भी उम्मीदों का अंत नहीं होता, अपने बेटे को खो देने के बाद भी। कैसे एक माता पिता ने सैकड़ों बच्चों को कामयाबी की उड़ान भरने के लिए पंख दिए, ये कहानी उसी की है। यहाँ पे द्वारका से, साउथ दिल्ली, लाजपत नगर से, नोएडा से बच्चे सिर्फ यहीं पे प्रैक्टिस करने आते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई बैंक ट्रैक नहीं है दिल्ली को। बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे कोच, यहाँ पे बहुत अच्छी कोच हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेशनल फॉर्म भी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्केटिंग करके। दिल्ली का यहाँ का फर्स्ट ऐसा ट्रैक है जो यहाँ टाइम, ये बहुत अच्छा ट्रैक है। मुझे यहाँ पे स्केटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ये 150 किलोमीटर का ट्रैक है, ये बहुत अच्छा ट्रैक है, इस पर बहुत मज़ा आता है हमें स्केटिंग करने में। इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, ये 150 मीटर का ट्रैक है और यहाँ पर डेली प्रैक्टिस चलती रहती है। स्केटिंग रिंग पर अपने जौहर दिखाने वाले कोमल ने 11 साल की उम्र तक आते आते कई मेडल्स अपने नाम कर लिए थे, यहाँ तक कि साल 2004 में उसने वर्ल्ड स्केटिंग चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। लेकिन साल 2004 में ही परिवार का लाडला बेटा कोमल उन्हें छोड़कर दुनिया से चला गया। परिवार ने इस दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारी। बेटे की याद में बवाना में एक इंटरनेशनल लेवल का स्केटिंग रिंग बनवाया। इस रिंग को बनवाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। रिंग बनवाने के पीछे मकसद एक ही था कि जिस तरह कोमल को प्रैक्टिस करवाने के लिए दूर दूर भटकना पड़ता था, उस तरह से दूसरे पेरेंट्स को परेशान ना होना पड़े। हम बहुत दूर दूर तक जाते थे स्केटिंग कराने, फरीदाबाद, यहाँ दिल्ली में फिर कोई ऐसा रिंग था नहीं इंटरनेशनल लेवल का, तो हमने सोचा कि बच्चे और बच्चे सफ़र नहीं करें, तो इसलिए हमारे दिमाग में ये ख्याल आया, और साथ में कोमल की भी हमेशा याद बने रहे उन बच्चों के। इस रिंग में हर रोज सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को कोचिंग भी फ्री दी जाती है, साथ ही बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। रूफी जैदी, जी मीडिया। खबर उत्तराखंड से। बच्चों ने अब खुद ही एक दूसरे को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड में सरकारी टीचर्स की हड़ताल चल रही है, जिन बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। टीचरों को सबक सिखाने के लिए सीनियर बच्चों ने जूनियर बच्चों को खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस बात को उत्तराखंड के बच्चे तो बखूबी जानते हैं,
क्योंकि टीचर्स की हड़ताल के बावजूद इन दिनों उत्तराखंड के पौड़ी जिले के स्कूलों पर ताला नहीं है, बल्कि बच्चों ने खुद एक शुभ पहल करते हुए अपने जूनियर छात्रों को पढ़ाने की शुरुआत कर दी है। ये है पौड़ी जिले का राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज। यहाँ पिछले कुछ दिनों से क्लास में बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिन टीचर्स के कंधों पर इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी है वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। और यही हाल पूरे राज्य के स्कूलों का है, फिर चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो या फिर इंटर कॉलेज। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के बच्चे जब हड़ताल से परेशान हो गए तो इन बच्चों ने खुद ही पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया। सीनियर बच्चे जूनियर्स को पढ़ा रहे हैं। टीचर्स हड़ताल पे जा रखे हैं सब, टीचर हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ा है। टीचर तो बाहर जा रखे तो उनका वो है हड़ताल पे, हमारी भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान हैं, लेकिन टीचर्स को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो इसीलिए सरकार ने गेस्ट टीचर्स को स्कूलों में रखा है, जो पूरी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए रिटायर्ड टीचर्स भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। अरे घूमने आया था, पर फिर भी इतिहास संबंधी बातें इनको समझाने में मुझे आनंद आ रहा है। हड़ताल जो है वो अपनी जगह में, पर इस तरह से नहीं कि हम बच्चों का नुकसान करें। हम अपने स्तर से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ सर हम अपने सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहे हैं, पर और भी सब्जेक्टों को हम लोग अपने पूरे स्तर से पढ़ा रहे हैं। बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी जिन टीचर्स पर है, जब उनसे हमने हड़ताल की वजह पर बात करनी चाहिए तो जवाब चौंकाने वाला था। उत्तराखंड में टीचर्स की हड़ताल कब खत्म होगी फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोटद्वार इंटर कॉलेज के बच्चों ने जो सबक हड़ताल पर गए टीचर्स को दिया है, शिक्षकों को इससे सीखने की जरूरत है। कोटद्वार से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तभी कहते हैं कई बार चले गुरु से भी आगे बढ़ जाते हैं और गुरु को ही सिखा देते हैं।